जकारा पाना हरी बाबा जी का, जकारा दूधा हरी बाबा जी का। एक लड़की की कहानी सुनानी है, अंत की गरीबी, घर में बहुत ज़्यादा गरीबी, छोटा जिहा घर, बाले पए हुए, बहुत बुरी कंडीशन। ये उस वेले की गल है जो सलेरन धाम बनिया। पिंड विच्चों छोटे छोटे बच्चों ने सलेरन दिया ने बाबा जी के मंदिर आना, जो स्कूलों छुट्टी होनी, बस्ते रखने, भंगड़े पाद ने उपर आ जाना, बड़ी रौनक लगनी, चहल पहल, क्योंकि बाबा जी ने पिंड चो गरीबी चकनी सी। बाबा जी स्वयं चक्करधारी है, कलाधारी है, किद्दां उस लड़की नूं तारन आए, किद्दां खेल रचाया, किद्दां उन्हूं इंग्लैंड भेज दिया, किद्दां किद्दां उहदी जिंदगी विच खुशियां दिंदे आ, सारा सत्संग भी ध्यान रखियो। फिर वक्त आउंदा वो हर रोज़ मंदिर आउण लग पैंदी, अपना स्कूल वाला बैग नाल लैके आउंदी आ, कदी उन्हें स्कूलों आके उत्थे मंदिर ही पढ़ाई कर लैनी, लंगर छक लैना, घूमी फिरी जाना, सेवा कर लग पाना। एक दिन की खेल रचाया, पिछले जन्मों की जो भगती होंदी है, कुदरत खेल रचाउंदी है, फिर बाबा जी वरदान किद्दां दिंदे उन्हां नूं। असी कोई संत साधु नहीं है, पर साढ़े थ्रू कर दे बाबा जी मन बस के। इदां ही बाबा जी का धूना लग्या तो उस लड़की की माँ नूं बाबा जी ने कहा, वो कहिंदी मैं नाम भजन लैना, पर जे कोई बाबा जी दरबार से जाए सारे कहिंदे बाबा जी का नाम भजन लै लो लै लो। तो साढ़े तो बाबा जी ने कहाया, कहिंदे तू तो गंगा माँ की भगतनी आ, गंगा मैया थानू तार ना आऊगी, तू गंगा की आराधना करया कर। उस लड़की की माँ नूं कहा, तो वो जी माँ सी वो साढ़े कुत्थे रहण लग पई, उन्हें सेवा बहुत करनी, शांत रह के कई ने उन्हों गाला कढ़निया, मंदे चंगे बोल बोलने, बेचारी ने सह लैना, कभी उच्चा ही नहीं बोलना। टाइम पिया वो लड़की ने भी उन्होंने को रहन लग पाना, हौली हौली वो लड़की भी उत्थे मंदिर रहन लग पई। कभी रात रह गई, कभी चल गए, कभी रात रह गई, कभी चल गए। कुदरत खेल रचाया, कई लड़कियां ने आना, कई लड़कियां ने आना, हौली हौली सलेरन धाम बनता गया। तो सलेरन पिंड चो भी बाबा जी ने गरीबी चकनी शुरू कर दिती, सारे ही बच्चे बाहरले मुल्कां च जाण लग पए, कोई कितने चला गया, कोई कितने चला गया। एक दिन रखड़ी का दिन बाबा जी खेड रचाउंदे आ, धूना लगा, रखड़ी का त्यौहार सीगा, तो लड़की साढ़े वास्ते रखड़ी लैके आँदी है, हुण स्वयं बाबा जी तो बन्नण रही, साढ़े बन्नूगी। उन्हें धूने के उत्ते आ के साढ़े रखड़ी बन दी, तो बाबा जी ने साढ़े मूहों उस टाइम कहाता, कहिंदे जा पुत्तर साडा कहना मन्नी, कहिंदे सेवा करनी है सच्चे दिल नाल, किसी भी मुंडे नूं कहिंदे दोस्त ना बनाई, तू वड्डी होना तेरी जिंदगी च नैचुरली कहिंदे मुंडिया ने आना। उन्हों धूने ते बिठा लिया, कहिंदे रखड़ी साढ़े बाद विच बन्नी, पहला साढ़े कुछ बचन सुन ला। कहिंदे जदों 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 भी किसी की जिंदगी विच भगती दे विच बिघन पैंदा, जां जे कोई मुंडा होवे उहदी जिंदगी च लड़की आउंदी है, लड़की की जिंदगी विच लड़का आ जाता, पर जे कोई साधु संत भी भगती करता तो उहदी जिंदगी विच भगवान आ जाते हैं। कहिंदे इदां सारयां नूं सारा कुछ मिलता, पर तू साडा वचन मनना, इत्थे मुंडियां विच रहना कहिंदे तेरा बहुत वड्डा टैसट होना, पर साडे वचन ना किसे नूं दसी, पर तू इंग्लैंड ब्याही जाऊंगे, कहिंदे तू इंग्लैंड चल जाना, समा आऊगा, साडा वचन ही आ, कहिंदे तैनूं जा, कहिंदे हुण रखड़ी बन दे। लड़की ने रखड़ी बन दित्ती, कुदरत खेल रचाउंदी है। हुण लड़की नूं इंग्लिश नहीं आउंदी, सानू बाबा जी इंग्लैंड भेज दिया, कुछ लड़के लड़कियां इंग्लैंड तो आते हैं, कुदरत खेल रचाउंदी है, असी किसी दे कोई बचोले नहीं बनते, असी तो बाबा जी ने सानू कोई रुतबा दिता, सानू सारे गुरु जी कहिंदे आ, जां जोगी भाजी कहिंदे आ। वह बच्चे बच्चियां बाहरों आए, दा खेल रचाया, बाबा जी ने ब्याह हो गया लड़की का, क्योंकि वह बचन पूरा होना सी, ब्याह हो गया, ब्याह तो उपरंत हुण लड़की नूं इंग्लिश टैस्ट पास करना पैना, इंग्लिश नहीं आती, टाइम बहुत लग गया। हुण लड़की ने चूड़ा भी पाया, चूड़ा पाया, तो बाबा जी ने उत्थे कहा सी सेवा करी है ना, किसी नूं भी फ्रेंड ना बनाई, भांडे धोई जा, लंगर की सेवा करी जा। पर वह लड़की ब्याह तो बाद सेवा करनों हट गई, चूड़ा पाया, हुण सोहने सोहने कपड़े मिल गए,
फौरन दा प्रौणा मिल गया। सोहने कपड़े पाने, चूड़ा पा के रखना, हर वेले टौरना रहना। तो हुण चक्करधारी कलाधारी किद्दां आउंदे आ? बाबा जी स्वयं आपे ही खेल च आउंदे आ। चक साधू लंगर चल रहा, होर भी कई लड़कियां खड़ियां। बाबा पौना हरी दूधा धारी कलाधारी जी ने खेल रचाया जी, भाग जागे संगतां दे। हुण भाग जगाउण लगे उस लड़की दे, वह सेवा करनों हट गई, पर बाबा जी अपने भगत का माण बधाउण लिया। बाबा जी कहिंदे हुण लड़की नूं आके दबका मार दिया, कहिंदे तैनूं किन्ना टाइम हो गया तेरा ब्याह होए नूं, तैनूं अकल है नहीं, कहिंदे चूड़ा पा के खड़ियां चल, कहिंदे भांडे धो, तुहानूं इह नहीं पता लंगर छकाउणा आ, दबका मारिया बाबा जी ने। पर बाबा पौना हरी स्वयं सगे, पर किहदे रूप में? पंडित जी के रूप में। पर वो लड़की नूं लग्या कि पंडित जी ने दबका मारिया, उन्होंने होरां नूं भी मारिया सी उत्थे, वो एक होर भी सी उत्थे, उन्हें पंडित नूं गाल कढ दित्ती। हुण स्वयं सगे बाबा जी। तो जदों यह गलबात चली, असीं पंडित जी नूं पुछिया, मैं कहा यार तुहानूं की लोड़ पई है पंडित जी किसी नूं इदां दबके मारन दी? पंडित जी कहिंदे मैं तां गया ही नहीं, कहिंदे मेरी तो सेहत ही नहीं ठीक सी, मैं तो बुखार चढ़िया सी, मैं सुत्ता पिया, मैं तो रात की रोटी भी नहीं खाधी। पर उस सलेरन पिंड वाली लड़की ने बाबा जी का हुक्म मान लिया, हूँ वो सेवा कर लग पे, उन्हें चूड़ा लाता उत्थे, वो सेवा कर लग पे। कहिंदे तेरी ड्यूटी की लगाई है, तू इंग्लैंड जाके की करना? इंग्लैंड च कहिंदे एड्डा साडा विशाल मंदिर बनना, उत्थे जाके की करोगे? तेरे गुरु का की हुक्म है तैनू? सेवा करन भेजना तैनू? कहना मन, चलो ने कहना मान लिया। समा पिया, वो टैस्ट भी पास कर गए। हुण उहदे कोल पैसे ही नहीं है, वकील की फीस देण नूं पैसा नहीं है। बाबा जी मन बसदे साडे, असी किसी की कोई हैल्प आप ही थोड़ी कर देनी है, वह भी स्वयं बाबा जी का हुक्म आता। उस दिन पैसे आ गए मंदिर, वो लड़की की वकील की फीस भी दे हो गई, टिकट भी हो गई, सब कुछ हो गया। लड़की फिर समा पिया इंग्लैंड पहुँच गई। अज वो लड़की इंग्लैंड पहुँच गई है, बाबा जी ने सुख शांति देती है। जिहड़ा पति मिलिया वह भी शांत सुभा, अपना हुण सोहना जिंदगी बतीत करदे आ। पर जे वह अगे तो भी हुक्म च रहे, बाबा जी ने बहुत कुछ बना देना, सब कुछ ही होना, घर भी होना, गड्डियां भी होनिया। पर उस स्वयं बाबा जी ने दबका किस चीज़ का मारिया सी? कि लंगर की सेवा कर, तेरे गुरुआं ने तैनूं लंगर की ड्यूटी लाई है, लंगर खड़ा ही चल, कहिंदे लंगर खड़ाउंदी गई, पता नहीं किस रूप में बाबा जी आ जाण, किस रूप में नारायण आ जाण। जोगी जिहड़े आ ना, कृष्ण भी है तो राम भी है, किसी भी रूप में आके टैस्ट लै सकते हैं, किसी भी रूप में आके भगत को तार सकते हैं। फिर उस लड़की को बाबा जी ने हुण तार दिता है, तो अज अपना जिंदगी का आनंद ले रही है। पर उत्थे होर भी कई सके, कोई किते चला गया, कोई किते चला गया। इस करके इस कथा तो यह ज्ञान मिलता, किसी वेले बाबा जी सर्व कला संपूर्ण, असी भावें किसी वेले इंग्लैंड गए होंगे, साडा ही शरीर धारण करके चले जाना उन्होंने छणा पलों च, वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। जे अमृत पिलाउण वेले मोहनी का रूप धारण कर सकते तो पंडित जी की चीज़ है? उन्हें तो खेले रचा, देखो दे भाग जगाते कलाधारी जी ने खेल रचाया जी, भाग जागे संगतां दे, तो वह बेबू दे भाग जगाउण आ गए, आप ही बेड़ा बन्ने लाउंदे आ। इस करके जदों भी कोई दबका मारदा आ, ग्रुप ना बनाओ, प्यार ना सेवा करो, करनी भी सेवा ही आ, फ्री सेवा करदे आ, पैसे भी नहीं कोई लैंदा। जिन्ने हलवाई लगे हो आ, जिन्ने उत्थे रहिंदे आ, सारे जने फ्री सेवा कर रहे आ। तुसी सारे ये सोचते कि असी चलाक हो, बाबा जी थोड़े नो भी ज़्यादा चलाक आ, जिन्हें तुहानूं जन्म दिता वो स्वयं चक्करधारी आ। जे अमृत पिलाउण वेले कुड़ी बन गए सीगे तो कुछ भी रूप धारण कर सकते आ। इस करके ग्रुप ना बनाओ, बाबा जी की सेवा करो, ना कोई अहुदेदार बनो, ना किसी के रिश्तेदार बनो, बनो तो बनो सिर्फ बाबा जी के सेवादार बनो, तो तर जाऊंगे। जे उत्थे ग्रुप बनाओगे वो ग्रुपां ने थानू कख नहीं देना। जिदा हुण लड़की ने जे चूड़ा लाता सी वो सह गई, जेडे सहे नहीं वो रहे नहीं, जिन्होंने दबके सह लाए वो रह गए। जिदा हुण लोहा ही आ, जदों कोई गहना बनता सोना आ
चाहे लोहा आ सोना अग की भट्ठी विच पहला तपदा आ फिर आके गहना बनता सुंदर इदे लोहा आ जे गेट बनते ग्रिलां बनदियां पहला वह ऐ लाल होंदे आ चाहे छैणियां बनदियां चाहे चांदी सोना कुछ भी धातु की चीज़ आ वह पहला बहुत गर्म होंदी आ फिर जाके उहदा कुछ तैयार होंदा जिहदा गुड़ भी आ गुड़ भी बहुत जाके मिठा होंदा रस पहला कढ़ी जांदी पहला उहनू किद्दां उहदे विच ही लंघना पैंदा बेलणे विच ही फिर अग ते तपना पैंदा फिर जाके मिठा होंदा इदां ही लड़की नू कई वारी दबके मारे पर वह सह गई जिहड़े सहे नहीं वह अज रहे नहीं इस करके जिन्हां जिन्हां ने भी बाबा जी की सेवा करनी आ दबका भी साढ़े तो बाबा जी मिलाउंदे आ असीं आप नहीं किसी ने भी कुछ भी कहिंदे साडी कहड़ा किसी ने कोई दुश्मनी जां कोई जमीन बंडनी आ करनी तो सेवा ही आ जिहड़ा गुरु के दबके सह गया उह रह गया उहनां दी जग ते शान वक्खरी होणी आ जिहड़े सहे नहीं वह अज रहे नहीं कई धरती ते भी नहीं रहे इस करके बाबा जी सेवा करो भगती करन आउंदे आ भगती स्थल वा कोई ग्रुप ना बनाओ भगती करके अपना जन्म सफल करो बोले सच्चे दरबार की जय जयकारा पाउणा हरि बाबा जी दा हो सच्चे दरबार की जय।